हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। केवीएस में जो सीपीटी एग्जाम होने वाला है उसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल तथा एमएस एक्सेस के ऊपर तथा इंटरनेट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, हम लोग आज बात करने वाले हैं पीपीटी तथा एमएस वर्ड तथा एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस में किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बट सबसे पहले हम देखेंगे एक पावर पॉइंट की स्लाइड, जिस तरीके की स्लाइड आपको एग्जामिनेशन में बनाने के लिए कहा जा सकता है। मैं आपको एक ओवरलुक दे देता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग मैंने क्लिक कर दिया हूँ, इस तरीके से ये ओपन हुआ है, यानी इसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन। और एक एक करके जो स्लाइड आ रही है उसको कहेंगे हम लोग एनिमेशन हो रहा है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन, ठीक है। तो आपको देखना है, आपको इनका यूज करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। लास्ट में इस तरीके का कोई मैसेज भी आपको पूछा जा सकता है, मैं दिखा देता हूं आपको, थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन जो है किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां से वीडियो को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट यानी एमएस वर्ड की अगर बात करेंगे तो ईच कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू यूज अ वर्ड प्रोसेसर टू चेंज फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल। आपको बोल्ड करना होगा, अंडरलाइन करना होगा और उसको इटैलिक भी करना होगा, ये बेसिक सा होता है, वो आपको करने के लिए कहा जा सकता है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में। मैंने तकरीबन 3 जो है एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाया है वो आपको, वो आप वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। काफी सारे वीडियोस मैंने एमएस वर्ड के ऊपर बनाए, वो आपको वो वीडियो देखना होगा। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, ईच कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू यूज अ वर्ड प्रोसेसर टू चेंज मार्जिन्स एंड लाइन स्पेसिंग, सेट मॉडिफाई फॉर्मेट पेंटर, पेज लेआउट क्रिएट एंड फॉर्मेट टेबल्स, क्रिएट हेडर्स एंड फुटर्स, इंसर्ट एंड फॉर्मेट इमेजेस, यूज जस्टिफिकेशन लेफ्ट राइट सेंटर एंड फुल। ये सारे जो है हमने टॉपिक कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग, ईच कैंडिडेट मस्ट अंडरलाइन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड वेयर द टेक्स्ट बिगिंस ऑन द पेपर एज वेल एज हाउ दिस रिलेट टू मार्जिन्स एंड द रूलर लाइन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। यानी आपको लेआउट में ही ये चेंजेस करना होगा, जिस तरीके से हम लेआउट में जो है मार्जिन्स जो रखते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में कितना मार्जिन छोड़ना है, वो भी मैंने आपको करा चुका हूं। ईच कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, यानी आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पी से भी आप कर सकते हो, या फाइल में जाके भी आप प्रिंट का ऑप्शन से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन से इसके अलावा भी आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसकी कॉपी आपको बनाने के लिए कहा जा सकता है। कुछ लेटर भी आपको दे सकते हैं, उसमें आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग और कुछ बेसिक से आपको जो है फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल आपको जो है करना होगा। उसी के साथ साथ में फॉर्मेट पेंटर और पेज लेआउट आपको जो है करना होगा, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के ही वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट पे। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी बन रहा है एमएस पावर पॉइंट पे, ठीक है। तो पावर पॉइंट में आपको क्रिएट एंड मॉडिफाई प्रेजेंटेशन फाइल, आपको एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाना आना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पेजेस का जो है, 3 या 4 स्लाइड ही आपको बनाना होगा वहां पे, ठीक है। इंसर्ट न्यू स्लाइड्स ऑफ द अप्रोप्रिएट, आपको एक टाइप दिया जाएगा, उस टाइप का आपको जो है स्लाइड लेना होगा। उसके बाद में उस स्लाइड में आपको जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए कहा जा रहा है वो टेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है। उसके साथ साथ में आपको जो है बैकग्राउंड कलर, टेक्सचर, ग्रेडियंट्स एंड पैटर्न भी आपको जिस तरीके से हमने एमएस वर्ड में सेटिंग की है उसी तरीके से आपको पावर पॉइंट में भी वही सेटिंग करना है। सेम सेटिंग रहेगी, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है, फिर भी मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। अभी वीडियो अपने स्टार्ट हो चुके हैं तो कंटिन्यू वीडियोस आएगी, इसके अलावा और टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस आएगी। एडजस्ट टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज एंड स्टाइल फॉर इजी रीडेबिलिटी। तो आपको जो है फॉन्ट, कलर, साइज वो तो सब सेम ही होता है, ठीक है, चाहे वो एमएस वर्ड हो चाहे एमएस पावर पॉइंट हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अप्लाई एनिमेशंस टू टेक्स्ट एंट्रीज। जिस तरीके से आप हमने अभी एनिमेशन देखे हो, इन कैसे होगा टेक्स्ट या आउट कैसे होगा, उसकी एंट्री कैसी होगी या एग्जिट कैसे होगा, वो हम लोग जो है एनिमेशन उसको कहते हैं, तो वो भी आपको करना होगा। अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, जिस तरीके से वो ट्रांजिशन आपने देखे हो स्टार्टिंग में, तो वही आपको करने के लिए कहा जा सकता है। यूज एक्शन बटन्स, एक्शन बटन का यूज करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। एड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट टू अ स्लाइड, ये भी हम लोग टॉपिक ले लेंगे। यूज द डिफरेंट व्यूज अवेलेबल इंक्लूडिंग स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन एंड स्लाइड शो, तो ये भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे।
adjust the zoom level of the view as needed, use the PRT SCN key and alter PRT SCN key का use करना आपको आना चाहिए। कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो यूज किया जाता है और वो स्क्रीनशॉट आपको अपनी स्लाइड में लगाना होता है। तो ये क्वेश्चन जो इसके पहले भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग आने वाले क्वेश्चन में लेंगे। प्रिंट प्रेजेंटेशन इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स एंड आउटलाइंस। तो ठीक है, इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पावर पॉइंट टेस्ट में। बेसिक से क्वेश्चन होंगे और जल्द से जल्द वीडियोस आएंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल की, ठीक है। अभी आप जो अपने स्क्रीन में देख पा रहे हो वो था ट्रांजेक्शन और ये था उसका एक इफेक्ट, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट था। अब हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट टेस्ट के बारे में, ठीक है। आपको एग्जाम में एमएस एक्सेल के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सेल को फॉर्मेट करना आपको पता होना चाहिए किस तरीके से किया जाता है, सेल को मर्ज करना किस तरीके से आपको मर्ज करना है, कॉलम्स फील्ड्स एज अप्रोप्रिएट एंड एज इंडिकेटेड इन द टेस्ट डायरेक्शंस इंक्लूडिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है मर्ज करना है, ये सारी चीजें हो चुकी है हमने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप एमएस एक्सेल के ऊपर सारे वीडियोस देख सकते हो। एडजस्टिंग रोज हाइट एंड कॉलम विद कॉन्फिगरिंग प्लेन बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन टेक्स्ट इन एनी रिक्वायर्ड साइज ऑफ फॉन्ट, इंटरिंग डेट्स यूजिंग वेरियस फॉर्मेट, अलग अलग तरीके से आपको डेट इंटर करना होगा, वो भी मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। आप अगर एमएस एक्सेल के सारे वीडियोस देखोगे तो वहां पे आपको सारे जो इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अप्लाई स्प्रेडशीट फंक्शंस, यानी आपको जो है एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा के ही आपको वैल्यूज निकालना है। ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपको वीडियोस देखना होगा। इंटर कैलकुलेटेड वैल्यूज इन अप्रोप्रिएट सेल्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, सॉर्ट रिकॉर्ड्स बाय एनी फील्ड बोथ अल्फाबेटिकली एंड और न्यूमेरिकली इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, hide, delete specific columns, create and print a record or layout that shows only selected fields and records without deleting other fields and records। तो ये हम लोग टॉपिक लेने के, तो इसके ऊपर वीडियोस जल्दी ही आ जाएगी। create and print a chart based on data including the spreadsheet। तो इस तरीके के जो questions आपको पूछे जा सकते हैं MS Excel में। कुछ questions काफी basic होंगे और कुछ question थोड़े difficult हो सकते हैं, तो अगर आपको कोई confusion हुआ तो आप मुझे comment करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेस के बारे में। तो एमएस एक्सेस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे तो पूछा नहीं जाता है बट फिर भी मैंने कुछ तीन चार वीडियो बनाया हूँ एमएस एक्सेस के ऊपर, आपको वो वीडियो भी देखना है जिसमें आपको टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है, फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करना है, क्यूरी किस तरीके से ऐड करना है, टेबल या फॉर्म या क्यूरी को किस तरीके से लेआउट या फिर उसका डिजाइन जो है आपको चेंज करना है, उस बारे में वो वीडियो है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कल से रेगुलर वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।